Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. I especially want to thank. शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। मैं सदर अर्दवान का खास तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। मैं सब लोगों को खुशामदीद कहता हूँ जो अपने मुल्कों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। मैं इस्लामोफोबिया पर बात करना चाहूँगा क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर वक्त बरतानिया में गुजारा है और बहुत से मगरबी ममालिक में सफ़र किया है जहाँ मैंने इस मसले को बढ़ते हुए देखा है। So I've seen this phenomena grow, and I think it's very important to address it, because it's especially people, Muslims living in West. और मेरा ख्याल है कि इस मसले पर बात करना जरूरी है, क्योंकि मग़रिबी मुमालिक में रहने वाले मुसलमान इस्लामोफोबिया का शिकार हो रहे हैं। इसके खतरनाक नतीजे आ सकते हैं अगर इस मसले को हल न किया गया, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी कम्युनिटी को दीवार से लगाए जाने से बुनियाद परस्ती बढ़ती है। हमने देखा है कि मैनचेस्टर और बर्मिंगम में पाकिस्तान कम्युनिटी को हुकूक से महरूम रखा गया, इसके नतीजे में उनमें बुनियाद परस्ती में इजाफा हुआ है। हमने बिल्कुल इसी तरह यूरोप में भी इस्लामोफोबिया बढ़ते देखा है। मैं इस मौके से फायदा उठाते हुए आपकी तवज्जो इस पर मबजूल कराना चाहूंगा। Damage done to Muslims is that after 9/11 terrorism was 9/11 के बाद मुसलमानों को जो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो ये कि इस्लाम को दहशतगर्दी से मंसूब कर दिया गया। इस्लामी दहशतगर्दी, इस्लामी बुनियाद परस्ती जैसे अल्फाज आलमी रहनुमाओं ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिए। खास तौर पर 9/11 और उसके बाद होने वाले वाकयात में इस बात से ये जाहिर करना मकसूद था कि इस्लाम बुनियाद परस्ती का मजहब है और दहशतगर्दी इस्लाम से वाबस्ता है। खास तौर पर खुदकुश बम्बार कि जहाँ कहीं भी ऐसा होता तजियाकार सिर्फ ये बात करते कि मुसलमान खुदकुश धमाकों में मुलव्वस हैं क्योंकि उनको जन्नत की हूरों का लालच है। ये इंतहाई अहमकाना ख्यालात थे। Regularly we heard these commentators saying that you know they are Muslims are indulging in suicide attacks because they will have virgins in heavens. This sort of nonsense kept going on. Just a brief anyone who knows about history. ये तो तारीख में हर जगह है कि नाकाम और मायूस लोग खुदकुशी को अपना हथियार बना लेते हैं। 9/11 से पहले 75% से ज्यादा खुदकुश हमले तामिल टाइगर्स ने किए जो कि हिंदू थे, और किसी ने भी नहीं कहा कि हिंदू खुदकुश बम्बार हैं। और हमने दूसरी जंग अजीम से मुतालिक बहुत सारी फिल्में देखी हैं जिनमें जापानियों ने अमरीकी जहाजों में कूदकर अपनी जानें कुर्बान की हैं, लेकिन इस पर किसी ने भी उनके मजहब पर बात नहीं की क्योंकि किसी भी मजहब का दहशतगर्दी से कोई ताल्लुक नहीं है। तकरीबन तमाम किस्म की दहशतगर्दी सियासत से मुंसलिक है। ये इंसाफ की नाकामी है जो नाकाम और मायूस लोग पैदा करते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम हर जगह इस्लाम की बुनियाद परस्ती से मुतालिक सुनते हैं। डेस्परेट पीपल बट कॉन्स्टेंटली एंड इवन नाउ वी कीप हियरिंग अबाउट रेडिकल इस्लाम। देयर इज ओनली वन इस्लाम, द इस्लाम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम व्हिच वी फॉलो। सिर्फ एक इस्लाम है जो कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेश किया और जिसकी हम पैरवी करते हैं। इसके अलावा कोई और इस्लाम नहीं है। हर जगह पर एक तरफ मोतदिल और मॉडर्न होते हैं जबकि दूसरी तरफ बुनियाद परस्त। आपका उस सफेद फार्म बुनियाद परस्त के हवाले से क्या ख्याल है जो न्यूजीलैंड की मस्जिद में 49 नमाजियों को शहीद करता है, उसका मजहब से क्या लेना है? ये इंतहाई अहम बात है। ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, हमें हर सूरत में इस बात पर बात करनी चाहिए। Yes, Muslim societies have fanatics, same as Christian societies, same as Jewish societies, and let's not forget that in India, extremists have taken over the country, racial extremists. So, number one, my point is.
हमें हर सूरत में दहशतगर्दी को इस्लाम से अलहदा करना चाहिए। मुस्लिम सोसाइटी में भी बुनियाद परस्ती मौजूद है, इसी तरह ईसाइयों और यहूदियों में भी बुनियाद परस्त हैं। और अगर हम यहाँ इंडिया की बात करें तो इंतहा पसंदों, खासतौर पर नस्ली इंतहा पसंदों ने मुल्क पर ही कब्जा कर लिया है। मेरे ख्याल में पहले नंबर पर इस मसले पर बात जरूरी है। ये कैसे मुमकिन है कि न्यूयॉर्क का आम शहरी ये बता सके कि ये इंतहा पसंद मुसलमान है और ये अमन पसंद मुसलमान है? ये कोई कैसे बता सकता है? मुसलमानों को सिर्फ दहशतगर्द के तौर पर ही बयान किया जाता है, और जब कभी मगरबी दुनिया में दहशतगर्दी का वाकया होता है तो सबसे पहले मुसलमान परेशान होते हैं कि कहीं दहशतगर्द मुसलमान न हो, क्योंकि सबसे पहले दहशतगर्दों का मजहब बयान किया जाता है। 9/11 के बाद मुझे एक मगरबी सहाफी ने फोन किया कि क्या आप इस वाकये पर शर्मिंदा हैं? दुनिया में 1.3 अरब से जायद मुसलमान हैं, तो क्या मैं हर उस चीज पर शर्मिंदा हूं जो किसी मुसलमान ने की हो? तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, मैंने सलमान रुश्दी को, जिसने शैतानी आयात नामी किताब लिखी जिसमें हमारे प्यारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की गई, उन दिनों मैं इंग्लैंड में खेल में मसरूफ था और मुझे इंग्लैंड और वहां के माइंडसेट का अंदाजा है कि मगरबी दुनिया में रहने वालों को इस बात का कतई अंदाजा नहीं है कि इससे मुस्लिम दुनिया में कितनी बेचैनी फैल सकती है, क्योंकि यूरोप मजहब की इस तरह से तकरीम नहीं करता जैसे कि हम करते हैं। हम मजहब के मुताबिक जिंदगी बसर करते हैं, उनका मजहब के हवाले से मामला बिल्कुल मुख्तलिफ है। लाइफ ऑफ ब्रायन, अ कॉमेडी बाय मोंटी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, इट वाज अ कैरिकेचर अबाउट जीसस क्राइस्ट। जब मैं 18 साल की उम्र में पहली दफा इंग्लैंड आया, एक फिल्म लाइफ ऑफ ब्रेन जिसमें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवाले से किरदार था, ये मेरे लिए बहुत बड़ा धचका था कि यूरोप मजहब को इस तरह से नहीं देखता जैसे कि हम। और मैं अपने लोगों को, खास तौर पर मुस्लिम रहनुमाओं को इल्जाम देना चाहूंगा जो मगरबी दुनिया को मजहब और उसकी अहमियत के हवाले से समझा नहीं सके कि ये कितना तकलीफ दे है कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाए। हमें तकलीफ इसलिए होती है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दिलों में रहते हैं, और हम सब जानते हैं कि दिलों की तकलीफ जख्मों की तकलीफ से बहुत गहरी होती है। और हमें, खासतौर पर सदर अर्दवान और दूसरे रहनुमाओं को, मगरबी रहनुमाओं तक ये पैगाम पहुंचाना चाहिए कि जैसे हॉलोकॉस्ट की मगरबी दुनिया में पाबंदी है, क्योंकि ये यहूदियों के लिए बहुत ही तकलीफ देह है, और दुनिया को हर उस मसले पर हसास होना चाहिए जिससे किसी को तकलीफ हो। और हम उनसे यही चाहते हैं कि वो मुसलमानों के लिए भी ऐसा ही महसूस करें कि जब कोई हमारे प्यारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, और ये सब तबकात जो इकट्ठे रहते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो एक दूसरे के साथ खड़े हों। और मेरी नजर में ये दो पॉइंट इस्लामोफोबिया के तनाजुर में बहुत अहम हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कम्युनिटीज टू लिव टुगेदर टू अंडरस्टैंड ईच अदर, एंड देयरफॉर दीज टू पॉइंट्स इन माय ओपिनियन हैव कंट्रीब्यूटेड मोर टू इस्लामोफोबिया देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज एवरी टू और थ्री इयर्स समवन इन द यूरोपियन, हर दो या तीन साल बाद यूरोप और अमेरिका से कोई भी शख्स हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खाके बना देता है, जिससे मुसलमानों में इश्तियाल फैलता है, और इससे लोग ये तासुर देते हैं कि इन लोगों में बर्दाश्त की कमी है, जिससे लोगों के दरमियान खलीज बढ़ती है, क्योंकि इनको अंदाजा नहीं होता कि इससे हमें क्या तकलीफ होती है। जबकि यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि इश्तियाल फैल सके। तकरीर के इख्तिताम पर मैं ये कहना चाहूंगा कि अक्वामे मुत्तहिदा एक बेहतरीन फोरम है, दुनिया के तमाम अहम रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, और खास तौर पर मुसलमान रहनुमाओं के लिए जरूरी है कि इस खलीज को कम करने के लिए अपनी कोशिशें करें, और ये बेहतरीन फोरम है जहां से इस खलीज को कम किया जा सकता है। बहुत शुक्रिया। इन माय स्पीच ऑन फ्राइडे एज वेल, बट आई फील दैट इट इज इंपॉर्टेंट दैट अस मुस्लिम लीडर्स कन्वे दीज टू थिंग्स, बिकॉज ऑल इट डज इज इट क्रिएट्स फिशर्स अमंगस्ट ह्यूमन बीइंग्स, एंड एनीथिंग दैट क्रिएट्स फिशर्स, दिस इज द फोरम वेयर वी शुड ट्राई टू यूनाइट ह्यूमैनिटी। थैंक यू।